नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे करेंट अफेयर्स के बारे में, और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग 2 महीने के करेंट अफेयर्स खत्म कर चुके हैं। एक तो आपने देखा होगा जनवरी महीने की जो भी आपकी करेंट अफेयर्स थी, उससे आपके जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फरवरी महीने के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करेंट अफेयर्स से, उन्हें हम लोगों ने कवर किया हुआ था। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्च महीने के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे करेंट अफेयर्स से, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स से काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएसओ, जिसमें एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर आप देखते होंगे कि सिविल सर्विस में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस वन लाइनर में आ भी जाते हैं। और जो हम लोग विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे, उनसे आप लोगों को सिविल सर्विस में भी अगर क्वेश्चंस आता है करंट अफेयर्स से, तो उसका आंसर देने की स्थिति में आप लोग पहुंचेंगे। और आप वन डे एग्जाम में देख लीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, और आपके जो टीचर्स भर्ती होती हैं, फिर या पुलिस की या पोस्ट ऑफिस आप देखते होंगे, या फिर आप देखते होंगे कि एसआई, दरोगा वाली होती है, उनमें भी तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। आप लोग देखते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में एक लाइन में आपको क्वेश्चंस दे देगा, फिर आपको नीचे चार ऑप्शन दे देगा, और इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। तो इसके लिए याद रखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए 12 महीने का पूरा कवर करेंगे, और प्लेलिस्ट सूची बना रखी है इसकी, और जिसका नाम क्या है बताइए, मंथली करेंट अफेयर्स 2021 के नाम से। इसमें आपके सभी 12 महीने के करेंट अफेयर्स के वीडियो डले रहेंगे, वहां जाकर आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं मार्च महीने का। और याद रखिए, इसमें एक और बात बता देता हूं आप लोगों को, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स तो कवर करेंगे ही, साथ में ही आपकी जो विस्तार से बात करेंगे तो स्टेटिक जीके यानी कि स्थायी आंकड़े भी आपके कवर हो जाएंगे। अब आप लोग यहां भी कंफ्यूज हो गए होंगे, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, अस्थायी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, और स्टेटिक जीके की बात कर रहा हूं यानी कि स्थायी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। तो इसे एक उदाहरण के जरिए हम समझा देते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि रिपोर्ट कई रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन संस्था इसे जारी करती है, पहली बार कब जारी किया गया था, और कौन कौन से आधार इसके रहते हैं जारी करने के, बनाने के। तो ये आपके स्थायी आंकड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, इसमें रैंकिंग की जाती है, भारत की स्थिति क्या रही है, इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं। हो सकता है कि पिछली बार आपके कम देश शामिल किए गए हों, इस बार अधिक देश शामिल किए गए हों, तो ये बदलते रहते हैं। तो ये आपके अस्थायी आंकड़े हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले, प्रति वर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग, प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व स्तर पर, यानी कि आप देखिए ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसमें कह रहा है 1 मार्च, 2 मार्च, या फिर 28 फरवरी, या फिर 25 फरवरी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा कि 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को। और इसमें आपको बता दूं कि ये दिवस महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता देखते हैं आप लोग, इसे खत्म करने के लिए, एक तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और सन 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है? 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला हुआ है? इसमें पहला है मीनारी, दूसरा है आपका बी ऑप्शन कह रहा है द फादर, सी कह रहा है द मोरितानियन, और डी कह रहा है नो नोमद लैंड। बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें आप लोग देखेंगे नोमद लैंड होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन ने ना मान रेनिस ब्लैक बॉटम में लेवे ग्रीन के अपने चित्रण के लिए मरने के बाद ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। तो इसे भी याद रख सकते हैं, और इसे आप लोग नोमद
लैंड भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखते ना कि इस तरह के पुरस्कार भी कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का क्या भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दूं, ये है आपके राकेश वर्मा है या भगवान दीप सिंह, मनप्रीत बोहरा, प्रवीण त्रिपाठी, कौन होंगे इसमें से? तो आप देखेंगे इसमें से आपके होंगे मनप्रीत बोहरा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और भारत के नए उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किए गए? ऑस्ट्रेलिया में। और मनप्रीत बोहरा के बारे में अगर बात करें तो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर इनके ऑस्ट्रेलिया से पहले की बात करें तो ये मैक्सिको में भारत के राजदूत के पद पर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन व्यक्ति प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? सुरेश कुलहरी, अजीत चंदन, सवाई राजपूत या फिर जयदीप भटनागर, बताइए इनमें से क्या लगाओगे? अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग मालूम ही चल जाते होंगे। तो याद रखिए इसमें जयदीप भटनागर होंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, पीआईबी भी कहते होंगे, इसका गठन 1919 में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और ये पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी जिसे कहते हैं, भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। और आप लोगों से कई बार कहा भी तो जाता है, आप लोग इसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कि आप लोग पीआईबी को भी देखते रहा करिएगा, पीआईबी की साइड को भी करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तिथि वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तिथि वर्ष यानी कि हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 1 मार्च, बी कह रहा है 3 मार्च, सी कह रहा है 5 मार्च और डी कह रहा है आपका 2 मार्च, बताइए। तो आप सभी जानते होंगे 3 मार्च होगा, इसमें क्या होगा, 3 मार्च होगा आपका विश्व वन्य जीव। और एक तरह से आप देखिए इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है, अगर मुझे लगता है कि इसके शब्दों को आप लोग समझेंगे तो आसानी से इसका आप लोगों को अर्थ मालूम चल जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में जो लुप्त हो रहे हैं जीव जंतु या वनस्पति, इनकी ओर लोग जागरूक हो सकें, इनकी ओर आकर्षित हो सकें, इन्हें बचाने का एक तरह से काम करें, ठीक है। तो इसे यही याद रख सकते हैं। और इस तरह इस वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो वर्ल्ड बिल्ड लाइफ डे, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि वन और आजीविका, लोग और ग्रह को बनाए रखना, एक तरह से इसका थीम था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? एक बात और आप लोगों को मालूम होगी कि पहले आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करते थे, तो आपसे कह दिया जाता था कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आप लोग फॉलो करिए। तो अब उन दोनों को मिलाकर एक नया नाम रखा गया है, ये नाम क्या है? बहस टीवी, भारत टीवी, मुद्रा टीवी, मुद्दा टीवी या फिर आप देखिए संसद टीवी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर, संसद टीवी, बड़ा ही आसान जवाब है इसका, क्या है, संसद टीवी, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दें कि लोकसभा टीवी को 2006 में तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ बनर्जी ने लॉन्च किया था, जबकि राज्यसभा टीवी को 2011 में, इन्हें भी याद रखिए, हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछे तो आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। अब आप कहें अगर, तो मैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा हमारे संसद में आपको देखने को मिलेगा और राज्यसभा भी देखने को मिलेगा। लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि जो इसके सांसद होते हैं उन्हें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर आप लोग 18 साल के हो चुके होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, और 2019 में आप लोकसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा की बात करें तो देखिए राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं
उन्हें आपकी विधानसभा की सदस्य चुनते हैं, जो विधायक होते हैं ना उन्हीं की बात की जा रही है, उन्हें वही लोग चुनते हैं। और आप देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं यहाँ कि जो राज्यसभा में सीटों की अगर बात हो तो कितनी सीटें होती हैं बताइए, कुछ कितनी होती हैं राज्यसभा में सीटें? तो आप लोगों को राज्यसभा में सीटों की अगर बात की जाए तो 245 देखने को मिलेंगे, ठीक है। 12 जिनमें से आप देखेंगे नॉमिनेट किए जाते हैं यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की स्थापना की बात हो तो 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आप कहेंगे लोकसभा की बात कर लीजिए, तो याद रखिए लोकसभा की बात करें तो आप 543 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो मनोनीत किए जाते थे ना एंग्लो इंडियन, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें संसद टीवी आप लोग लगाओगे, बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है? आयुष प्रताप, जेके जगदीशन, रवि कपूर या फिर योगेश भट्ट? तो मुझे बता दूं कि आपको रवि कपूर होंगे इसमें, ठीक है, रवि कपूर। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं बताइए, कौन बने हैं? के केप्पा, माटम वेंकट राव, राम मोहन सिन्हा, पीके जैन, बताइए कुछ। तो इसमें आप लोग देखिए माटम वेंकट राव होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO की बात हो रही है। अब बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ। देखिए इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है बताइए। इसमें पहला कह रहा है आपसे निकोलस पूनन वेस्टइंडीज के हैं, बी कह रहा है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, सी कह रहा है किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज के हैं और डी कह रहा है मार्टिन गोप्टिल न्यूजीलैंड के हैं, बताइए इसमें। तो याद रखिए किरोन पोलार्ड होंगे, ये वेस्टइंडीज के होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 मुकाबले में किरोन पोलार्ड ने भारत के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और आपको बता दूं कि पोलार्ड ने इस मैच में ऑफ स्पिनर अकिला धनंजय के ओवर में 6 छक्के जड़े डाले, और इससे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड किसके पास था, युवराज सिंह के पास था, जिन्होंने आपने देखा होगा 2007 में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के लगाए थे। आप देखिए आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा ना तो आप लोगों को मालूम ही होगा, तो पहले युवराज सिंह थे हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पित्ती वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पहला कह रहा है ए ऑप्शन आपके सामने है 2 मार्च, और बी कह रहा है 4 मार्च, सी कह रहा है 5 मार्च और 1 मार्च, इनमें से बताइए आप लोग, एक सही होगा लेकिन सही ही आप लोगों को चुनना है। तो याद रखिए इसमें 4 मार्च होगा, क्या होगा, 4 मार्च आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है अब 4 मार्च को, याद रखिएगा। और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि देश भर में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं से को रोकना, एक तरह से इसका प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई है, पंजाब या उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इनमें बताइए कौन में? तो मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे तो इसमें कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक के बारे में कुछ बताइए, क्या कर्नाटक के बारे में भी जानना होगा आप लोगों को, कर्नाटक जानते हैं ना, दक्षिण भारत का एक राज्य है। और इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए, एक तो आप लोग कर्नाटक में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई है, और आपको बता दूं इस नीति के तहत बेंगलोर नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि MNC की संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए के किराए की 50% प्रतिभूति पेशकश की जाएगी।
और कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, और यहाँ आप देखेंगे तो इसे राज्य बनाने की बात हो तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। अगर विधानसभा की बात करें तो 225 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेगी, और राज्यसभा में आपको 12 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 28 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है, यानी कि टॉप पर बना हुआ है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है, जयपुर, बेंगलोर, या फिर अहमदाबाद, या फिर आपके सामने है बड़ौदा, बताइए किसे मिला हुआ है। तो आपको बता दूं कि इसमें बेंगलोर होगा। क्या होगा? बेंगलोर होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बात करें तो शिमला को टॉप स्थान पर बना हुआ है, और इसके साथ ही 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में बरेली, धनबाद और श्रीनगर को सबसे खराब रैंकिंग मिली हुई है, और 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर है। तो बिहार की स्थिति क्या है आप सभी लोग बेहतर जानते भी हो, ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग भूल मत जाइएगा, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे और आप लोग कहें कि क्या था, समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नीति आयोग जानते हो या नहीं जानते हो? जो भी रैंकिंग इस तरह की आती है उन्हें आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। चलिए आगे चले हम लोग, और ये आपका शहरी विकास मंत्रालय इसे पहली बार 2018 में जारी की थी इसे, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 8 मार्च, 5 मार्च या 2 मार्च? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या 8 मार्च? क्या 8 मार्च? और इसकी अगर हम लोग थीम की बात करें, वोमेन इन लीडरशिप एन इक्वल फ्यूचर इन ए COVID-19 वर्ल्ड, ये आपको इसकी थीम रखी गई थी, दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिए, महिला नेतृत्व COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, इसकी थीम रखी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पहली बार अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 1996 में मनाया गया था, 1996 में मनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी उपाध्यक्ष बनी है? अस्का नूर, मोहिनी दास, नोरीन हसन, प्रीति घोगले। तो आपको बता दूं इसमें नोरीन हसन है, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय बाजार की अनुभवी भारतीय मूल की महिला है अमेरिकी नागरिक नोरी हसन को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है, और उनका कार्यकाल 15 मार्च 2021 से प्रारंभ होगा। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में दूसरे नंबर की अधिकारी होंगे। वह अपने बैंक की ओर से फेडरल रिजर्व के खुले बाजार की गतिविधियों का निर्धारण करने वाली समिति में वोट देने वाले वैकल्पिक सदस्य की भूमिका भी निभाएंगी। ठीक है, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू यार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और किस शहर में भारत का पहला
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिस्क खोला है। हाल में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिस्क खोला है? खोला है या खोला गया? तो ये जयपुर, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद। तो आपको बता दूं हैदराबाद होगा इसमें। क्या होगा? हैदराबाद होगा। आपको बता दूं कि इसमें पुलिस एक तरह से, यहाँ एक पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क की नियुक्ति भी की गई है, और डेस्क का प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे सामुदायिक समन्वय के रूप में नामित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंडर जो हुआ करते थे, इसके साथ भेदभाव किया जाता था पहले। समझ रहे हैं? किस भाषा के मशहूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का डेथ हो गई, यानी कि मौत हो गई इनकी? कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी, बताइए इसमें। तो याद रखिए कन्नड़ होगा इसमें। क्या होगा? कन्नड़ होगा इसमें, कन्नड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इति वर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया लेवल पर बात हो रही है। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को, या फिर 5 मार्च को? तो आपको बता दूं इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 7 मार्च। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक और विश्वास पैदा किया जाए, और यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन होता है, और इस दिन को देश में लोगों की वो सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक फैलाने का उद्देश्य से भी एक तरह से होता है इसका। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा जन औषधि दिवस के बारे में। ठीक है, एक और उल्लेख किया गया भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, याद रखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित की गई थी। तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। और इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि के स्टोर भी बनाए जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे जहां जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो सस्ती भी होंगी और आसानी से लोगों की पहुंच भी वहां तक होगी आसानी से। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? किन दो देशों, दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का डेथ हो गई है, यानी कि इनकी मौत हो गई है? तो इसमें एक तो आप देखेंगे राजस्थान महाराष्ट्र, या राजस्थान गुजरात, या फिर कर्नाटक गुजरात, मणिपुर बिहार। तो याद रखिए इसमें राजस्थान गुजरात होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब आप कहेंगे राजस्थान के बारे में कुछ बता दीजिए, गुजरात के बारे में भी बता दीजिए कुछ, तो बिल्कुल बताएंगे, मैंने वादा किया हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वैसे राजस्थान के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, गुजरात आपका पहले नंबर पर आता है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें, तो 30 मार्च 1949 को इसे राज्य एक तरह से बनाया गया था, और इसकी राजधानी जयपुर है। और यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें आपको 200 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें, तो 1 मई 1960 को गुजरात बनाया गया था राज्य, और कैपिटल इसके गांधीनगर है, यानी कि इसकी राजधानी गांधीनगर है। और अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें, 182 देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। और मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगी ये बात कि अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों गुजरात से ही निकल के आते हैं, तो आप समझिए दोनों गुजराती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, या फिर उत्तराखंड, बताइए इनमें से। किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो यह है आपका उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को भी याद रख लीजिए थोड़ा। और इसके बारे में अगर और कुछ बताऊं, तो लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत के निकट कालिका में जनता के लिए शुरू किया
कर दिया गया है। और यह चिकित्सा केंद्र चीड़ के बहुतायत वाले जंगल में बनाया गया है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि चीड़ जैसे वृक्ष विभिन्न बीमारियों वाले प्राणियों से बचने के लिए कुछ तेलीय तत्व निकालते हैं। और उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात की जाए, अगर आप लोगों से, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, और इसकी राजधानी देहरादून देखने को मिलेगी। और आपको मालूम होगा कि यहाँ 71 सीटें विधानसभा में है, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति उन्नत नामक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है? इसमें आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए, SBI, HDFC, PNB और एक्सिस। तो इसमें क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, बोलिए कुछ, अगर मालूम हो तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आप लोग लगाओगे HDFC। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। इसे आप लोग क्या है, इसकी स्थापना की अगर बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा मिलेगा। और निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों की सहायता के लिए सलाह कार्यक्रम स्टार्टअप उन्नति और लॉन्च किया है। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे 1 साल तक महिला उद्यमियों को उनके कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने में सलाह मशवरा के जरिए मदद भी करेंगी। ठीक है, तो अच्छी बात है। आप लोगों ने एक तो बात देखी होगी कि जब आप लोग सरकारी बैंक में जाते हैं तो आप लोगों को उतना इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता है, और जैसे ही आप लोग गवर्नमेंट बैंक में जाइए, सर आपको बड़ा सर कहकर बुलाया जाएगा, इज्जत सम्मान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के बताइए कौन बने हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो अमित कुमार सिंह, जयंत मेघवाल, तीरथ सिंह रावत, ऋषिकेश गौतम। आपको बता दूं एक बात और, आपको बता दूं यहां उत्तराखंड में बड़ा उठापटक हुआ है, पता है आप लोगों को? इसलिए हुआ है कि पहले कोई और मुख्यमंत्री थे, फिर आपने देखा हो किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो बीजेपी की सरकार है तो आजकल मुख्यमंत्री बदलने की प्रथा चली हुई है। तो आप लोग जिस समय पेपर देने जा रहे हैं उस समय एक बार जरूर इन्हें देख लिया करिएगा। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा तीरथ सिंह रावत बने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री, फिर इनके बयानबाजी के कारण आपने देखा है कौन बने थे, फिर आपके पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो मार्च में आपके बने थे तीरथ सिंह रावत। आगे हम लोग बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी कब बने। और अगर हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताऊं, तो देखिए मुख्यमंत्री उन विधायकों में से ही चुना जाता है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, अच्छी बात, अगर किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद है तो उन्हीं में से एक किसी मेंबर को इस एक तरह से चुन लिया जाता है, लेकिन लेकिन बहुत मायने रखता है। आप अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है तब भी आप लोग 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए आप लोग, ये जब मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय किसी के सदस्य नहीं थे किसी सदन के, लेकिन आगे चल के ये सदस्य बने। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आप लोग सदस्य नहीं बने जाते तो आप लोगों को पद से हटना होगा। चलते आगे। किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है? परेश रावल, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, बताइए कौन होंगे? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, अमिताभ बच्चन। आप लोग जानते भी होंगे इन्हें। तो मशहूर बॉलीवुड अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, और इन्हें 2021 के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन का नाम FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा नामित किया गया, जो फिल्म निर्माताओं और आर्काइविस्ट शिविंद सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत की फिल्म विरासत के संरक्षण, रेस्टोरेशन, प्रलेखन और प्रदर्शनी और अध्ययन के लिए समर्पित है एक तरह से।
ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 17 जून 1938 को हुई थी इसका, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहे हैं, किसने वर्ष 2020 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? फिर से सुन लीजिए, किसने वर्ष 2020 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? पीवी सिंधु, हरमनप्रीत कौर, अदिति चौहान, कोनेरू हम्पी। तो इसमें याद रखिए कौन होंगी, कोनेरू हम्पी, कौन होगी, कोनेरू हम्पी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। और इन्हें 2020 के लिए बीबीसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अनुभवी एथलीट अंजू बोबी जॉर्ज को मिला है। और अंग्रेजी क्रिकेट स्टार बेन स्टोक्स ने 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर को इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी के विजेता के रूप में घोषित किया है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चंस को, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को समझ गए तो आप सोचिए कि एक तरह से 90% स्थिति में आप लोग पहुंच जाएंगे कि आंसर देने की, ठीक है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है 2020 में? 101वां, 103वां, 105वां, 109वां। तो याद रखिए 105वां होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसे आप लोग वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत 26 स्थान पर खिसक गया है, भारत 105वें स्थान पर पहुंच चुका है। और ताजा सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर आप देखेंगे कौन है, हांगकांग, और दूसरे पर सिंगापुर। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो एक वर्ष में सरकार की आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय की विनिमय जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। तो इन्हीं को देखकर एक तरह से इसे बनाया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। याद रखोगे कि नहीं रखोगे, आप लोगों का रखना कर्तव्य है, क्या है, कर्तव्य है। लेकिन आपको इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं, वरना आप कहोगे कि बताया नहीं गया है। एक सौ पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है, समझ रहे हो आप, समझिए, अब समझते रहिए कहिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग कि ना बढ़े। और एक देखिए, विश्व आर्थिक, एक अमेरिकी थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा ये जारी की जाती है रिपोर्ट, ठीक है। अगर हम लोग द हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में बात करें तो 16 फरवरी 1973 में को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किए गए हैं? तो इनमें इसमें है के श्रीवास्तव, जीपी सावंत, डीजी माथुर, पीके भोंसले। तो याद रखिए इसमें जीपी भाव सावंत होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हुई है? कौन 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और झूलन गोस्वामी, मिताली राज। तो याद रखिए मिताली राज होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? किडनी दिवस आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, उसी की बात हो रही है, किडनी खराब। एक तो आप लोग बताइए किडनी का काम क्या होता है, सबसे पहले ये कह रहा है मार्च महीने की दूसरे सोमवार को,
बी कह रहा है मार्च महीने की दूसरे मंगलवार को, मार्च महीने की दूसरे गुरुवार को, मार्च महीने की दूसरे शनिवार को। इनमें से एक तो सही होगा, अब वो आपको बताना है कौन सही होगा। तो याद रखिए मार्च महीने की दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसे वर्ल्ड किडनी डे भी कहते हैं आप लोग। आपको बता दूं कि और इस वर्ष यह 11 मार्च को पड़ा था, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही कि दुनिया भर में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामले में को रोकना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। लिविंग बिल इस साल की अगर थीम आपसे पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं। विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम क्या थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन चुकी हैं? शकीरा, बियोंसे, रिहाना और एक है आपकी मिंडोना, बताइए। तो इसमें याद रखिए बियोंसे, बियोंसे। ठीक है, सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि थोड़ा और बताइए इनके बारे में, संगीत समझ रहे हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं 63वें ग्रैमी अवार्ड में पॉप स्टार बियोंसे ने इस बार 4 और ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक यानी कि 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला बन चुकी हैं। लेकिन ध्यान दें, ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा एवं ऑपरेटिव एंग कंडक्टर हैं सर जॉर्ज सॉल्टी, इनके नाम सबसे अधिक हैं, 31 ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड। ठीक है, और लेकिन महिला के बारे में आए तो बेउंसे हैं। ठीक है, इन दोनों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं? कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? बेन स्टॉक्स, क्रिस गेल, विराट कोहली, क्रॉन पोलार्ड। तो इसमें आपके विराट कोहली साहब होंगे। ठीक है, आगे चलते हम। आगे आपका प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता कहने का मतलब होता है कि हम आप देखिए किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, हम लोग उसे ले रहे हैं ना, तो उसी को उपभोक्ता एक तरह से आप कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 मार्च या 15 मार्च, 10 मार्च, 16 मार्च। तो आप सभी को मालूम होगा कि 15 मार्च को ये मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। लेकिन इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हो उसे भी आप लोगों को बता दूं। हर साल आप देखेंगे 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम रही है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, और इस थीम का उद्देश्य यही कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, उसे रोका जाए, ताकि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे बचाया जा सके। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं आराम से। चलते हैं आगे, चले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या 18 मार्च को? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 16 मार्च को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 16 को, पूरे भारत में। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर बता रहा है ना। और इसे मनाने की राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, और इस दिन भारत में साल 1995 में मुहिम के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश भी घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व लक्ष्मण पई का निर्धन हो गया यानी कि मौत हो चुकी है, इनकी वह क्या थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चित्रकार, गायक, लेखक, अभिनेता, बताइए। तो याद रखिए चित्रकार थे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? कमला चौधरी, सुगंधा सिंह, रानी प्रताप, भवानी देवी। तो याद रखिए इसमें भवानी देवी होंगी, क्या? भवानी देवी होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, इस तरह के संगठनों को हम लोगों ने कवर किया हुआ है, तो महत्वपूर्ण संगठनों में आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी संगठन डाले हो, फिर
फिर चाहे आपके अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो। इसकी स्थापना 30 नवंबर सन 2015 में की गई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, गुरुग्राम भारत में, ठीक है। तो इसके सुरेश जायसवाल हैं, अजय माथुर हैं या फिर नरेश त्रिपाठी हैं, अमित गौतम हैं, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे अजय माथुर होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, अजय माथुर। आगे चलते हम लोग, किस फुटबॉल टीम ने ISL 2021 का खिताब जीता हुआ है, किस टीम ने? इसमें मुंबई सिटी FC, FC गोवा, बेंगलोर FC, केरला ब्लास्टर FC, तो बताइए इसमें क्या करोगे आप लोग। तो आपको बता दूं इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन के फाइनल में मौजूदा, आपको बता दूं को इसमें मुंबई सिटी FC ने जीता हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व लोउ ओटेंस का निधन हो गया, यानी कि मौत हो चुकी, उन्होंने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसका आविष्कार किया था, बताइए कुछ। ऑडियो कैसेट का, ऑडियो कैसेट आप लोगों ने देखी होगी, एक ऑडियो रेडियो की तरह आता था, उसमें डाली जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति ICRIER के नए निदेशक बने हैं? और इसमें पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन क्या कह रहा है, मनीष मित्तल, अरविंद भटनागर और आपके दीपक मिश्रा, सूरज सिंह। तो याद रखिए दीपक मिश्रा है, आपके ICRIER के नए निदेशक हैं दीपक मिश्रा। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस कहते हैं इसे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं, NSG, आप लोग सुने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? तो ए ऑप्शन इसमें कह रहा है SK माझी, बी कह रहा है MA गणपति, सी कह रहा है रमेश अग्रवाल और सी डी कह रहा है सीताराम चोपड़ा। तो इसमें याद रखिए MA गणपति होंगे, ठीक है। और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन हमारा, कौन व्यक्ति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, अशोक चावला, गजेंद्र राठौर, बाबूलाल गौर और कुलदीप सिंह, बताइए कुछ इसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग कुलदीप सिंह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुलदीप सिंह लगाएंगे। और इसकी अगर हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 में ये अस्तित्व में आया था। तो आगे समझ रहे हैं, आगे चलते हैं अब हम लोग, चलेंगे कि ना चलें बताओ, चलना तो पड़ेगा ही। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैगोफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, यानी कि मौत हो चुकी है इनकी, ये कहाँ गए थे, तंजानिया, नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया। तो आपको बता दूं ये तंजानिया गए थे, कहाँ गए थे, तंजानिया गए थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये तंजानिया आप लोग देख रहे हैं ना, इसकी कैपिटल डोडोमा देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं, बड़ी अजीब है। ईस्ट अफ्रीका का यह देश तंजानिया है, समझ रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको लोगों के लिए काफी लाभदायक भी है, जाना आती होगी, मार्च महीने की तीसरे शुक्रवार को, मार्च महीने के तीसरे बुधवार को, मार्च महीने के तीसरे सोमवार को, मार्च महीने के तीसरे रविवार को, बताइए कुछ। तो मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। नियमित नींद, स्वस्थ भविष्य, इसकी क्या थी, थीम थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, सामिया सुलुहु हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, केन्या, ब्राजील, नीदरलैंड, तंजानिया। तो आपको बता दूं ए तंजानिया की बनी हुई है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, गौरैया को तो आप लोगों ने देखा होगा ना, गांव में घोंसला बनाती थी, 21 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च या फिर 18 मार्च, बताइए कुछ।
तो याद रखिए 20 मार्च होगा, इसमें क्या होगा 20 मार्च होगा, और इस बार की थीम रही है आई लव स्पीरोज, याद रखिएगा विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या रही है आई लव स्पीरोज, ठीक है ये आप लोग याद रख सकते हैं, रखेंगे कि नहीं। और साल 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था, ठीक है, इनका संरक्षण करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए एक तरह से मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, समझ रहे हैं, हैप्पीनेस 134वां, या फिर आप देखिए 139वां, 143वां या फिर 146वां, बताइए कुछ, 139वां मिला हुआ है, ठीक है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है, और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक तरह से सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है याद रखिए, और शुरुआत की थी इसकी 2013 में, और लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आप लोग याद रखिए करिएगा। और भारत 139वें स्थान पर, 149 देशों को शामिल किया गया था, 149 में 139वें स्थान पर है, यानी कि आप समझ सकते हैं हमारी स्थिति कितनी बुरी है। और फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, सबसे टॉप पर है, और इसमें अफगानिस्तान सबसे बुरे स्थिति में रहे, सबसे नाखुश देश है अफगानिस्तान, और आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान की क्या है। पाकिस्तान की बात करें तो 105वें स्थान पर है, यानी कि हमसे अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है। बांग्लादेश की भी हमसे अच्छी स्थिति है, 101वें स्थान पर है। चीन 84वें स्थान पर है, हमसे अच्छी स्थिति है इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, खुश रहिए बस इतना ही कह सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च। तो आपको बता दूं, क्या बता दूं, 22 मार्च को मनाया जाता है ना, ये तो आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए। और 22 मार्च को मनाया जाता है, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है आप लोग सभी जानते हैं इसे, तो ये नहीं जानते हो कुछ, पानी का महत्व इसकी एक तरह से थीम रखी गई थी, पानी का महत्व। ब्लोइंग वाटर, याद रखिए इस थीम को। चलिए अब हम लोग वैल्यूइंग वाटर यानी कि पानी का महत्व, कितनी महत्व है हमारे लिए पानी का, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे इसे। जारी मिलिट्री डायरेक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया है, बताइए इसमें, भारत या फिर रूस या अमेरिका, चीन। तो आप लोगों को हैरानी होगी, चाइना की सेना को माना गया है, हमारा पड़ोसी है ना। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाने लगा है, और आपको बता दूं सूची में भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला हुआ है, और अमेरिका 74 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, इसके बाद 69 पॉइंट के साथ रूस तीसरे नंबर पर है, और 58 पॉइंट के साथ फ्रांस पांचवें स्थान पर है, यानी कि हम चौथे स्थान पर है, हमारा पड़ोसी पहले नंबर पर है चाइना, ठीक है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने किस नाम से गांव में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है, ग्राम विकास योजना, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उदय योजना, ग्राम बल्ब योजना, बताइए इसमें से क्या लगाओगे, ग्राम उजाला योजना, यानी कि आपका बिल्कुल सही होगा, बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा आपका। और एक तरह से आप देखिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की है, और जिसका उद्देश्य है कि गांव में सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध हो सके। और आप सभी जानते हैं कि एलईडी बल्ब अगर आप लोग लगाते हैं तो बिजली की बहुत बचत की जा सकती है, और आप देखिए बिजली इतनी आसानी से नहीं बनती है, समझ रहे हैं आप लोग, बड़ी किल्लत पड़ती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हुआ है, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा,
करीना कपूर, कंगना रनौत, तो इसमें याद रखिए कंगना रनौत होंगी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी भक्ति के कारण इन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं। किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है? किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है? अब्दुल करम खान, डेविड डेविडसन बिली, शेखर शेख मुजीबुर रहमान, चीको अल्वेरो। कुछ बताओगे इसके बारे में? तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन लगाओगे, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्हें आपका 2020 का एक तरह से गांधी शांति, जो आपका गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे और रखना चाहिए मुझे लगता है। और अगर गांधी पुरस्कार के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इस वार्षिक पुरस्कार यानी कि हर साल दिया जाता है भारत सरकार द्वारा 1995 महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया, उन्हें इससे पुरस्कार दिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कितना इसमें क्या रहता है मामला, कितना पैसा रहता है, क्या क्या रहता है? तो 1 करोड़ तो रुपये नकद रहते हैं और एक पट्टिका रहती है, एक प्रशस्ति पत्र रहता है, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हस्तकरघा उत्पाद भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो आप सभी जानते हैं, इन्हें बंग बंधु के नाम से भी आप लोग जानते थे और बांग्लादेश के जतिर पिता यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में भी लोग इन्हें जानते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित यानी कि भारत के गोपालगंज जिले में हुआ था इनका, 17 मार्च 1920 को। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हुए हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। आगे चल के 1947 में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, उसमें नया देश एक उभर के आता है, क्या, बांग्लादेश। और आप सभी जानते हैं बांग्लादेश हमसे पाकिस्तान ने टुकड़ा लिया था, इंदिरा गांधी उस समय राष्ट्रपति हुआ करती थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। और इनकी डेथ की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इनकी 15 अगस्त 1995 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, पितृवर्ष वैश्विक कविता दिवस कब मनाया जाता है? पितृवर्ष यानी कि हर साल 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च, बताइए कुछ इसके बारे में भी। तो याद रखिए 21 मार्च इसमें होगा, क्या होगा, 21 मार्च होगा। 21 मार्च को दुनिया भर में विश्व कविता दिवस मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि कविताओं के प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ही एक तरह से मनाई जाती है। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाने की घोषणा 1999 में की थी। कब? 1999 में की थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन एथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, स्टेट, भारत का स्टेट बन चुका है? केरल, तमिलनाडु या असम या बिहार? तो आपको बता दूं इसमें बिहार होगा, क्या होगा, बिहार होगा। बिहार एथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य एक तरह से बन चुका है। और इसके बारे में बात करें तो एक तरह से बिहार के कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिनमें आपका नीतीश कुमार ने मुहर लगाई थी और नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं ना, तो याद रखिएगा। अब बिहार के बारे में भी बता देता हूं, वरना आप लोग कहेंगे कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा हूं। बिहार, वैसे बिहार के नीतीश कुमार राजनीति के मास्टरमाइंड कह लीजिए आप लोग। और बिहार, बिहार बहुत पुराना राज्य है, आजमाज का नहीं है। आप सोचिए आजादी से पहले भी बिहार हुआ करता था। लेकिन आपको बताऊं कि राज्य का दर्जा इसे मिलता है 26 जनवरी 1950 को, पटना इसकी राजधानी है और यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें देखने को मिलेगी और विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कौन व्यक्ति विदेश मंत्रालय की नए प्रवक्ता बने हैं? कौन व्यक्ति विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तेजपाल शर्मा, अरिंदम बागची, अहमद खान, रोहित ओलिया। तो याद रखिए अरिंदम बागची, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तिथि वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस की बात हो रही है यहाँ, और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग बात करें
तो 24 मार्च या 25 मार्च या 20 मार्च या आपका 22 मार्च, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 24 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्लॉक इज टिकिंग, इसके बार की ये थीम रही है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, और बताना एक तरह से मेरा काम है। वर्ष 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, और टीबी का इलाज भारत में मौजूद है, फिर भी घातक स्वास्थ्य स्थिति के चलते हर साल विकासशील देशों में आप देखेंगे लगभग 1.5 मिलियन लोगों की टीबी से मौत भी होती है। तो आप समझ सकते हैं टीबी कितना खतरनाक है। किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया हुआ है? किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि आंध्र प्रदेश के बारे में भी बताइए, तो मुझे लगता है कि देखिए जानवरों की मतलब आप समझ समझ रहे होंगे कि जानवरों मतलब जानवरों के लिए एक तरह से। पहले आपको बता दूं, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी को मालूम होगी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी की बात करें तो अमरावती है, और यहाँ आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। लेकिन विधानसभा में 175 सीटें देखने को मिलेगी, और विधान परिषद में यहाँ 58 सीटें देखने को मिलेगी। तो राज्यसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी। एक कहानी है आंध्र प्रदेश की। उसके बाद आप देखेंगे किसे वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान आप लोग जानते हैं ना, उसी की बात हो रही है। रविंद्र चतुर्वेदी, शरद पागरे, आलोक नागर, विनीत भोंसले, बताइए। तो व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पागारे को। और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार है के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यास सम्मान है। ठीक है, और इसे आप लोग याद रख सकते हैं। पहली बार ये 1991 में दिया गया था। अब बात है किसे वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र भूषण की बात हो रही है, किसे वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो ए में लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले, सुनिधि चौहान। तो आपको बता दूं, देखिए इसकी स्थापना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की 1996 में की गई थी, और इसमें अभी की बात करें तो आशा भोसले को दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति UIDAI के नए CEO बने हैं? संजीव मित्तल, सौरभ गर्ग, विष्णु प्रजापत, हसन अहमद, बताइए कौन बने? सौरभ गर्ग। कौन? सौरभ गर्ग बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। UIDAI गवर्नमेंट एजेंसी है, आप सभी जानते हैं। 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आधार सुने उसी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है? किसे भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है? चंद्रशेखर सिन्हा, विमल जैन, संजीव कुमार, दिवाकर गुप्ता, तो बताइए इसमें कौन लगाओगे? संजीव कुमार लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे? संजीव कुमार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन व्यक्ति भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व MD बने हैं? अतीश चंद, राजेश धवन, गणेश दिनकर, जमन चौधरी, भारतीय खाद्य निगम की बात हो रही है, तो इसके याद रखिए अतीश चंद होंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है? इसमें है आमिर खान, इरफान खान, रणवीर सिंह और अनिल कपूर। इन चार में से आप लोगों को एक चुनना है। एक तो सही होगा ही, वो तो आप लोग भी जानते हैं मुझे लगता है। तो इसमें हो गए आपके क्या है बताइए कुछ, तो इसमें हो गए आपके इरफान खान। कौन होंगे? इरफान खान, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन, किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है?
और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, सरस्वती हो, व्यास सम्मान हो, ये क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं। तो इसमें डॉक्टर आयुष भार्गव, डॉक्टर नंद कुमार जोशी, डॉक्टर वैभव दास, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो याद रखिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, ठीक है। इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान, मिला है इन्हें सरस्वती सम्मान, ठीक है। और इसकी स्थापना 1991 में पहली बार ये हुई थी, राय बच्चन को दिया गया था आत्मकथा के लिए हिंदी में, ठीक है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में किसी भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है, SBI, HDFC, PNB, एक्सिस। तो आपको बता दूं HDFC को चुना गया है। HDFC के बारे में बता चुका हूं, अगर आप कहें तो फिर से बता देता हूं। इसकी स्थापना आपको बता दो कि अगस्त 1994 में हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है, 51वां अभी हाल ही में आपने देखा होगा मिला है, गोविंदा, रजनीकांत, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। तो याद रखिए रजनीकांत, और रजनीकांत आप देखेंगे एक साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार, वैसे रजनीकांत किसी मूवी में मारे नहीं गए थे, और एक बार दिखा दिया गया कि वो मर गए, उन्हें मार दिया गया मूवी में किसी, आप सोचिए कि किसी विलन द्वारा। तो कहते हैं कि वहां थिएटर में आग लगा दी गई थी लोगों के द्वारा। और आपको बता दूं कि इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्मदिवस पर 1969 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए देविका रानी को आप लोगों को मालूम होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, चलें। जारी वैश्विक लैंगिक भेदभाव भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? 124वां, 140वां, 145वां या 152वां? वैश्विक लैंगिक अनुपात रिपोर्ट की बात हो रही है, समझ रहे हैं? तो याद रखिए 140वां मिला हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 156 देशों को इसमें शामिल करके एक तरह से सूची तैयार की गई थी, और इसमें 140वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। 2020 में अगर हम लोग बात करें तो हमारा स्थान 112वां था, 153 देश उस समय शामिल किए गए थे। तो आप देखिए हमारी स्थिति बुरी ही है एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग, हमारी स्थिति बुरी ही रहती है। तो आप समझ सकते हैं विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। अब आप कहेंगे कि इसके विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म के बारे में भी बता दीजिए। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, आप लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा। वैसे आपको बता दूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और WEF द्वारा विकसित कुछ रिपोर्ट भी हैं, जैसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यही जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी की रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा पर्यटन और प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये आपका विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए थे, जो मार्च महीने में आपकी घटनाएं घटी, जो भी करंट अफेयर्स था उसका, उससे जो आपका निचोड़ कहिए आप लोग, उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। और जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को कुछ जाना चाहिए, ठीक है। और इन्हें आप लोग देखते रहिए, और हम लोग अप्रैल महीने का भी कवर करेंगे, सभी महीनों का, 12 महीने का कवर करके आप लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है, आपके पास कोई कमी नहीं रहने देंगे। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग मिलते हैं आगे।